हेलो गेमर, वेलकम टू बीजीएमआई न्यू अदर वीडियो। तो गाइस, फाइनली बीजीएमआई लॉन्च हो गया है एंड बहुत सारे प्लेयर्स डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड आप भी डाउनलोड करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि बीजीएमआई डाउनलोड करने में कितना डाटा यूज होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे बीजीएमआई डाउनलोड से लेकर एक मैच खेलने तक कितना डाटा यूज होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। मोबाइल को ओपन करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं एंड सामने ही शो हो रहा है बीजीएमआई। एंड BGMI डाउनलोड करने से पहले डाटा यूज दिखा देता हूँ। मैं रेलवे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ क्योंकि मेरा डेली डेटा पैक उतना नहीं है एंड रेलवे वाईफाई फ्री है 30 मिनट के लिए। तो गाइस, BGMI की साइज है 782 MB एंड रेलवे वाईफाई की स्पीड दे रहा है 1 MB। तो गाइस, फाइनली BGMI डाउनलोड हो गया है एंड डाउनलोड होने में 15 मिनट लग गया। तो यहाँ पर डेटा यूज देख सकते हो 791 MB। तो BGMI इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे, यहाँ पर स्टोरेज परमिशन मांग रहा है अलाउ। तो गाइस, अपडेट चेकिंग करने के बाद 8.3 MB का अपडेट होगा एंड अपडेट कम्प्लीट होने के बाद फिर से स्क्रीन में डाउनलोडिंग दिखाएगा। यहाँ पर दो डाउनलोडिंग ऑप्शन दिखा रहा है, एक है 601.7 MB लो स्पेक एंड 1040 MB हाई स्पेक। तो गाइस, यहाँ पर लो स्पेक 601.7 MB आप डाउनलोड करते हो तो बाद में हाई स्पेक कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लो स्पेक सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन पेज आएगा, आपके हिसाब से फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। एंड गेम के अंदर एंटर होने के बाद ऊपर में डाउनलोडिंग की ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना। देखना, बहुत सारे चीज डाउनलोडिंग हो रहा है, इन सभी को ऑफ कर देना, डेटा कम यूज होगा। तो गाइस, इरांगेली डाउनलोडेड है, बाकी डाउनलोड करना होगा। तो गाइज, यहाँ पर एक मैच एंड BGMI डाउनलोड तक 1.5 GB यूज हुआ है। तो गाइज, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे BGMI डाउनलोड करने में कितना डाटा यूज होता है। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।